शहबाज शरीफ का कहना है कि इस पर कायम हूं मियां साहब, चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, अगर आजाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं, दूसरी सूरत में दीगर जमातों को हुकूमत बनाने का हक हासिल है। पंजाब में हमें अक्सरियत हासिल है, आजाद अरकान मिलाने के बाद कौमी असम्बली में हमारी कुल तादाद 80 तक पहुंच चुकी है, नई हुकूमत को किसी तखीर के बगैर IMF से मुआहदा करना होगा। अगर आजाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं, दूसरी सूरत में दीगर जमातों को हुकूमत बनाने का हक हासिल है। पंजाब में हमें अक्सरियत हासिल है, आजाद अरकान मिलाने के बाद कौमी असम्बली में हमारी कुल तादाद 80 तक पहुंच चुकी है, नई हुकूमत को किसी ताखीर के बगैर IMF से मुआहदा करना होगा। अगर आजाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं, दूसरी सूरत में दीगर जमातों को हुकूमत बनाने का हक हासिल है। पंजाब में हमें अक्सरियत हासिल है, आजाद अरकान मिलाने के बाद कौमी असम्बली में हमारी कुल तादाद 80 तक पहुंच चुकी है, नई हुकूमत को किसी ताखीर के बगैर IMF से मुआहदा करना होगा। अगर आजाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं, दूसरी सूरत में दीगर जमातों को हुकूमत बनाने का हक हासिल है। पंजाब में हमें अक्सरियत हासिल है, आजाद अरकान मिलाने के बाद कौमी असम्बली में हमारी कुल तादाद 80 तक पहुंच चुकी है, नई हुकूमत को किसी ताखीर के बगैर IMF से मुआहदा करना होगा। अगर आजाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं, दूसरी सूरत में दीगर जमातों को हुकूमत बनाने का हक हासिल है। पंजाब में हमें अक्सरियत हासिल है, आजाद अरकान मिलाने के बाद कौमी असम्बली में हमारी कुल तादाद 80 तक पहुंच चुकी है, नई हुकूमत को किसी ताखीर के बगैर IMF से मुआहदा करना होगा। अगर आजाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं, दूसरी सूरत में दीगर जमातों को हुकूमत बनाने का हक हासिल है। पंजाब में हमें अक्सरियत हासिल है, आजाद अरकान मिलाने के बाद कौमी असम्बली में हमारी कुल तादाद 80 तक पहुंच चुकी है, नई हुकूमत को किसी ताखीर के बगैर IMF से मुआहदा करना होगा। अगर आजाद अरकान हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक से बनाएं, दूसरी सूरत में दीगर जमातों को हुकूमत बनाने का हक हासिल है। पंजाब में हमें अक्सरियत हासिल है, आजाद अरकान मिलाने के बाद कौमी असम्बली में हमारी कुल तादाद 80 तक पहुंच चुकी है, नई हुकूमत को किसी ताखीर के बगैर IMF से मुआहदा करना होगा।